नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो यांत्रिकी 02/2019 मतलब 2019 की जो दूसरी वैकेंसी है आई है उसकी रिक्रूटमेंट की, और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सारी डिटेल्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी है जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, रेडियो या पावर, ठीक है। इतने चीज़ों में अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं किसी में से एक में भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एग्रीगेट मार्क आपके डिप्लोमा में 60% होने चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देने हैं। आवेदन के लिए कोई भी फीस नहीं है, सबके लिए फ्री है। आपको सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पे बस अपने डिटेल्स को फिल कर देना है, और उसके बाद आपका जो भी कट ऑफ बनता है वहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से, तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और आपका एडमिट कार्ड आता है और आप जाकर एग्ज़ाम देते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज 11 फरवरी 2019 से भरा जा रहा है। इसकी लास्ट डेट 21 फरवरी 2019 है शाम 5 बजे तक। तो पैसे भी नहीं जमा करने हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो तुरंत वीडियो देखने के बाद जाकर के फॉर्म भर दें। एडमिट कार्ड आपका 5 मार्च 2019 को आ जाएगा, और आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो जैसे कई बैचों में होता है, डेली एक बैच दो बैच वहाँ पर जाता है, तो मार्च और अप्रैल तक ये चलेगा। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ही जल्दी आपका बैच होगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल है, मैक्सिमम एज 22 साल है। तो मतलब बिटवीन अगर हम तारीख की एकदम बात करते हैं एकदम एग्जैक्ट, तो 1 अगस्त 1997 से लेकर के 31 जुलाई 2001 तक अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो आप जो है इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद एज रिलैक्सेशन जो होता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी होता है, SC/ST के लिए छूट होती है और भी लोगों के लिए छूट होती है, वो भी इसको जो है इसके डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और इसमें आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल होती है, मतलब जब आप एक रिटन एग्जाम जो होता है उसमें आप अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिजिकल एग्ज़ाम, जिसमें आपको 20 उठक बैठक होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है 7 मिनट के अंदर, और 10 पुशअप्स होते हैं। और इसके अलावा चेस्ट आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए और हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो है वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और इसमें जो है आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिटर्न से रिलेटेड, तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था अभी 1-1.5 साल पहले। वो अभी पैटर्न अभी भी वही है, सारी चीज़ें वही हैं। तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए था वो आप डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आती है उसमें भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उससे ही सारे टॉपिक्स में आपका जो है जो उसका टेक्निकल पार्ट होगा वो पूछा जाएगा। उसके अलावा जो है आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, और ये पेपर ज़्यादा और एग्ज़ाम्स की अपेक्षा जो है कठिन नहीं होता है, और इसमें अगर आप फिजिकल निकाल लेते हैं तो आसानी से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसमें एडमिट कार्ड बहुत कम समय के लिए आता है, तो एडमिट कार्ड 5 मार्च अगर डेट है तो 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च के बीच में आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड 1 हफ्ते बाद दो लोग हटा लेते हैं। 1 हफ्ते बाद अगर आप नहीं एक तक नहीं डाउनलोड कर पाए तो बाद में शायद आपको डाउनलोड करने का मौका ना मिले, तो आपका ये अटेम्प्ट बेकार चला जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और टेली कम्युनिकेशन में जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए, कोस्ट गार्ड में यांत्रिकी के पोस्ट के लिए। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो अगर भविष्य में आप इससे रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक से सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।